हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल रीजनिंग के अंदर। अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हमारे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बैंकिंग लेवल की तैयारी करना, हमसे जुड़िए। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ विद प्रिपरेशन आपको करवाऊंगी बैंकिंग की तैयारी। बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले RRB पीओ कर की सबसे पहला एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स का जो आने वाला है अगस्त में, जिसका कैलेंडर रिलीज हो चुका है। जैसे आप सभी को पता है जनवरी में रिलीज हो जाता है कैलेंडर आपका। तो आज हम वो बात करने वाले जो हर एक बच्चे के मन में होता है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, पहले कौन से टॉपिक्स पढ़े हम लोग, वेटेज क्या रहेगा इनके क्वेश्चंस का और इनका लेवल क्या रहेगा, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले इसके सिलेबस की, इनका सिलेबस क्या रहता है। मोस्टली बैंकिंग पीओ का, RRB पीओ की बात करें, चाहे क्लरिकल की बात करें, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, केवल लेवल का फर्क रहता है। तो देखिए, अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं, आपका जो टॉपिक रहेगा पजल हो सकता है, उसमें पजल होगा, स्लॉगिज्म होगा, डायरेक्शन होगा, कोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, अल्फाबेट होगा। ये रीजनिंग केवल 6 टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप उसकी बात करें, अर्थमेटिक की बात करें, क्वांट की बात करें, यहाँ DI हो जाएगा, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन होगा, अर्थमेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ भी 5-6 टॉपिक है, टॉपिक सब में कम होते हैं। यही बात क्लरिकल की है, सेम टॉपिक्स रहेंगे आपके, टॉपिक्स कम है, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। ऐसे पजल आपके आएगी 20 नंबर की आती है, स्लॉगिज्म अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन के अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं, कोड एंड डिकोडिंग अराउंड 5 क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के अराउंड 3 क्वेश्चन होते हैं, नंबर अल्फाबेट के 3 सवाल हो जाते हैं। सेम बात है DI की, तो DI 15 नंबर की हो जाती है, नंबर सीरीज या फिर कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है, वो आपके 5 नंबर का होगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन भी आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, वो 5-6 नंबर का बीच का होता है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन जिसको मिसलिनियस के नाम से आते हैं, वो 11 नंबर का आता है। मिसलिनियस देखा होगा आपने सिलेबस में, देखा होगा मिसलिनियस सवाल, वो यही होते हैं अर्थमेटिक का, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब चीज़ें 11 नंबर की आती हैं। क्वालिटी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है अराउंड। अगर हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क में सेम रहेगा, वही पजल यहाँ 20 नंबर का, वही 20 नंबर का आता है, इनइक्वालिटी वही 5 की आती है, वही अल्फाबेट में 5 का आते हैं, ब्लड भी रिलेशन 5 का नंबर का आएगा, स्लॉगिज्म भी 5 का आएगा, कोडिंग भी 5-2 का हो जाता है, 2-3 नंबर आता है। DI की बात करें 13-14 नंबर के आसपास की आती है, नंबर सीरीज भी 5 नंबर्स की आ गई है, क्वाइटिक 5 की आती है, सिंप्लीफिकेशन में 10 का आ गया और ये आपका 7 का हो गया। अगर आप देखेंगे वेटेज को, अराउंड ऑलमोस्ट इसका वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है। वही हमारे 40 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके क्वांट में होते हैं, दोनों ही चीज़ों में, वही 80 क्वेश्चन आने होते हैं, 45 मिनट्स का समय होता है। अब बात करते हैं हम लेवल की, दोनों में लेवल में फ़र्क होता है बेटा, जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो दोनों में अलग होता है। तो बात करते हैं हम लेवल की बात करते हैं, देखिएगा एक बार। देखो, अगर आप बात करेंगे लेवल की, आप रीजनिंग का लेवल देखिए, पजल वगैरह का जो लेवल होता है वो प्री लेवल में इजी टू मॉडरेट होता है। देखो, इजी टू मॉडरेट है। अगर स्लॉगिज्म की बात करें, वो भी इजी आता है, जैसे कि वहाँ पे सम आ गया, ऑल आ गया, नो आ गया। और अगर मेंस की बात करेंगे, यही बढ़ के ओनली फ्यू हो जाएगा, यहाँ से टॉपिक बन जाएगा। अब बात डायरेक्शन की भी इजी आता है क्वेश्चन, वो भी कोडिंग डिकोडिंग भी इजी होता है, जो एडवांस लोड कोडिंग आता है वो आपका मेंस में आता है। अगर बात करें ब्लड रिलेशन, वो भी इजी आता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, अल्फाबेट क्वेश्चन हो गए, सब कुछ देखेंगे आप इजी टू मॉडरेट ही आता है, सब कुछ आपका इजी टू मॉडरेट आता है, सारे क्वेश्चन आपके सामने। अब बात करते हैं क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में देखिए, DI भी 18 मार्क्स का आता है, लेकिन देखो मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं अराउंड आपके, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाते हैं, मिसिंग नंबर आ जाए, वो मॉडरेट लेवल का आता है, अप्रोक्सीमेशन भी मॉडरेट लेवल के ही आता है आपका। अगर आप बात करें अर्थमेटिक के, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मॉडरेट लेवल की बात करते हैं। तो इन ओवरऑल आप देखेंगे, क्लरिकल का हो या फिर PO का कोई पेपर हो जाए, आपके जो क्वेश्चन प्री लेवल में आते हैं वो मॉडरेट लेवल के ही आते हैं। इतना घबराने की बात नहीं, जरूरी नहीं है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करेंगे तो बिल्कुल आप अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। केवल और केवल बेसिक पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, यही दो चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है आपका। और एक और चीज, आपके क्वेश्चन का एक चीज और भी आपके देखने वाली बात यह भी है कि यहां से जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, 80 में से यहां पे स्कोर रहता है आपका 55 से लेकर 60 के बीच में,
ये आपका ऑन एन एवरेज स्कोर है, आपको इतना अचीव करना पड़ता है पीओ के अंदर। और यही बात करें आप क्लेरिकल की, तो 80 में से यहाँ पे स्कोर होता है 65 के अराउंड, 65 प्लस रहता है यहाँ पे। तो ये फर्क है दोनों में, या 55 से 60 के बीच में या 65 प्लस है, 5 से 7 मिनटों का फर्क रहता है वेटेज का आपका। कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कम करने होते, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होती है, पर यहाँ एक्यूरेसी भी चाहिए और अटेम्प्ट ज्यादा चाहिए। तो ये तो पूरा सिनेरियो, आई थिंक आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आए हो जरूर बाकी फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिएगा, सभी के लिए यूजफुल है ये चीज़। तो अगर आप नए थे, पहली बार जुड़े थे, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी प्रॉपर आपको बस स्ट्रेटेजीज और आपका पूरा प्रिपरेशन के साथ हम आपके साथ जुड़ते जुड़े रहेंगे। बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़िए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा हर एक स्टेप के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।